हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पर क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं और हम इसमें चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया कंटिन्यू कर रहे हैं। पेरीमीटर यानी परिमाप और एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलिड विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक क्या बोला है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, आइसोसेलिस है। आइसोसेलिस है यानी समद्विबाहु है, यानी दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों जो साइड्स है वो इक्वल है। ए बी भी 7.5 सेंटीमीटर है और ए सी भी 7.5 सेंटीमीटर है। एंड बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और ये जो बी सी है ये 9 सेंटीमीटर है फिगर 9.17 में। द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ए डी ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है यानी क्षेत्रफल फाइंड करना है। वॉट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी दैट इज सी ई। सी से यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ पर ई है, ठीक है। तो सी जो लाइन है, ये जो हाइट है जो कि ए बी पर पड़ रही है, यानी ये जो सी ई है, सी ई इसकी भी हमें हाइट बतानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीसी, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है, बीसी। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बीसी और हाइट, हाइट कितनी है, हाइट है एडी, हाइट क्या है एडी, सो इनटू में एडी। अब हाफ मल्टीप्लाइड बाय बीसी, बीसी कितना है 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय एडी, एडी कितना है, एडी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एडी मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे कुछ कैंसिल होता है तो यहाँ पे 2, 3, 6 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 9, 3 क्या होता है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड किया है, ये हमने एरिया फाइंड किया है ट्राइंगल ए बी सी का। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। ये जो सी है, ये जब ए बी पर ये जो हाइट पड़ रही है, यानी जो सी ई है, इसकी हमको हाइट बतानी है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एरिया अभी हमने कितना फाइंड किया, एरिया हमने फाइंड किया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें बेस बनाना है, ठीक है। तो बेस इस बार मैं ए बी लूंगी, क्यों, क्योंकि ये जो हाइट है सी ई जो कि हमको फाइंड करना है ये ए बी पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बेस होगा वो होगा ए बी, बेस इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाइट हमें क्या फाइंड करना है, सी ई, तो सी ई हाइट की जगह मैं सी ई लिख लूंगी। अब यहाँ पर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हाफ आएगा, ए बी कितना है, ए बी है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सी ई, सी ई हमें फाइंड करना है। तो सी ई को एक ही तरफ रहने देंगे, इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए ये जो 2 है, ये 2 यहाँ डिवाइड होगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 7.5 मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ नीचे डिवाइड होगा। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए मुझे यहाँ पर इंटू 10 करना है, ठीक है। चलिए अब कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 5 5 25, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 5 15 और 3 9 27, ठीक है। अब कुछ कटता है क्या, नहीं, अब कुछ नहीं कटता, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर लेते हैं, 9 2 18, 18 2 36, 36 को हमें डिवाइड करना है 5 से, सो 5 7 35, 6 में से 5 माइनस, 36 में से 35 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, एक पॉइंट लगाएंगे और फिर हम 0 लिख सकते हैं। तो 5 2 10, तो यहाँ पर क्या आया, 7.2 सेंटीमीटर। ये हमने क्या फाइंड किया है, ये हमने सी ई का,
सी ई जो कि हाइट है उसका मेजरमेंट हमने फाइंड किया है. सो सी ई इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर.